हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने ब्लाउज़ का नाप जो है वो कैसे लेना है ये मैंने आपको बताया है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे ब्लाउज़ के शोल्डर जो है वो गिरते हैं, तो गिरते क्यों हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपका इसको सॉल्यूशन भी बताऊंगी और गिरते क्यों है ये भी बताऊंगी। क्या हो जाता है, नए नए सिलने वाले होते हैं उनसे क्या हो जाता है, ब्लाउज़ का जो सिलने में इधर उधर हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, जैसे कम ज़्यादा होता है ब्लाउज़ सिलते वक्त, तो इससे ये शोल्डर जो है वो गिरते हैं। और दूसरा जो है, जैसे ब्लाउज़ सिलते अच्छे हैं लेकिन सिलने के बाद जैसे फिटिंग परफेक्ट नहीं हुई, यानी कि फिटिंग थोड़ा सा ब्लाउज़ ढीला हो गया, या यहाँ पे जो स्लीव्स के जो चौड़ाई जो है इसमें आपकी फिटिंग आएगी, तो भी आपका ब्लाउज जो है वो गिरता है। जैसे कमर में ब्लाउज ढीला होगा तो भी आपका ब्लाउज जो है वो गिरता है। और यहाँ पे आपका जैसे क्या हो जाता है, जैसे आपको पहले जब भी ब्लाउज़ आपका गिरता होगा, शोल्डर जो है ब्लाउज़ के शोल्डर जो है इस तरह से खींचते हैं, तो आपको क्या करना है, तो ये देखिए यहाँ पे पहले तो आपको ये ब्लाउज़ की फ़िटिंग चेक करनी है। ब्लाउज़ की पहले फिटिंग चेक करोगे, यहाँ पे आपका ब्लाउज़ ढीला नहीं होगा, एकदम परफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपको देखना है, जैसे स्लीव्स को आपको देखना है। स्लीव्स को क्या देखना है, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे हम ढीला रखते हैं लेकिन यहाँ पे स्लीव्स की जो है वो फिटिंग ज़्यादा हो जाती है। अभी ज़्यादा फिटिंग होने के कारण क्या हो जाता है, जैसे ब्लाउज़ पहनने के बाद यहाँ पे टाइट हो जाता है, टाइट होने पर ये ब्लाउज जो है इस तरह से खींचता है, ऐसा जैसे थोड़ा सा नीचे के साइड में इस तरह से हो जाता है, तो ये शोल्डर जो है वो गिरते हैं। तो इसको आपको क्या पहले क्या करना है, पहले आपको ब्लाउज़ की फ़िटिंग देखनी है, आपका ब्लाउज़ ढीला तो नहीं है, तो आपको पहले ब्लाउज़ की फ़िटिंग अच्छे से करनी है। उसके बाद आपका स्लीव्स की फ़िटिंग आपको पहले देखनी है। स्लीव्स की फ़िटिंग आप देखोगे तो स्लीव्स ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हल्के से जो भी आपका मेजरमेंट होगा तो हल्के से ढीली होनी चाहिए, ताकि ये ब्लाउज जो है इस तरह से नहीं गिरेगा। अभी ये सिलने के बाद तो पूरा ब्लाउज़ तो हम खोल नहीं सकते, क्योंकि पूरा ब्लाउज़ खोलेंगे तो ये ख़राब भी हो जाएगा, और जैसे हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जब भी हम ब्लाउज़ सिलाई करते हैं, सिलाई करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको ये टिच बटन लगाने से पहले आपको यहाँ पे हल्का सा तिरछा यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये हुआ एक बात, जैसे यहाँ पे तिरछी सिलाई, शोल्डर में आपको तिरछी सिलाई लगानी है। शोल्डर में तिरछी सिलाई लगाने के बाद जहाँ पे हम कटोरी ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से ये प्लेट डालनी है, अंदर के साइड में जहाँ पे कटोरी ज्वाइंट करते हैं यहाँ पे अंदर के साइड में थोड़ा सा आपको दबाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपको हुक और आई की पट्टी होती है इसमें हल्की सी इस तरह से प्लेट डालनी है, इस तरह से प्लेट डालोगे और फिनिशिंग के साथ आपको इस तरह से इसको, ये देखिए फिनिशिंग के साथ आपको इसे इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपको एक सिलाई लगाने के बाद ये भी आपका पूरा मतलब अंदर के साइड में इस तरह से जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका 1/4 इंच दब जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे पूरा ब्लाउज़ आपको चेक करना है कि पहनने के बाद, जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा सिलाई लगाओगे या कटोरी का पार्ट होता है, कटोरी का पार्ट हम ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ अंदर के साइड में हमें इसको 1/4 इंच दबाना है, नहीं तो यहाँ पे ये जो पट्टी लगाते हैं इसमें भी आपको 1/4 इंच इस तरह से प्लेट डाल के इसको दबाना है। इसमें आपका जो शोल्डर का प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो वो ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, ये जो शोल्डर है, शोल्डर यहाँ पे आपको स्लीव जो ज्वाइंट की हुई है यहाँ पे आपको थोड़ी सी खोलनी है। स्लीव्स को खोलने के बाद यहाँ पे ये शोल्डर जो है ये भी खोलने हैं। शोल्डर खोलने के बाद जैसे आपका ये थोड़ा शोल्डर गिरता होगा तो आपका इसमें एडजस्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम प्लेट डालते हैं तब भी एडजस्ट हो जाएगा, या कटोरी ब्लाउज होता है तो यहाँ पे अंदर के साइड में यहाँ पे प्लेट डालेंगे तो भी ये एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ज़्यादा शोल्डर गिरते होगे तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्लीव जो है वो खोलनी पड़ती है दोनों साइड की, उसके बाद यहाँ पे जो शोल्डर है वो खोलने पड़ते हैं, नहीं तो यहाँ पे अंदर के साइड में जितना आपका गला उतरता होगा यहाँ से आपको गला नापना है, नापने के बाद आपको यहाँ पे शोल्डर अंदर के साइड में शोल्डर दबाना है, उसके बाद जो स्लीव्स है उसको फिर से वापस ज्वाइन करनी है। जब भी आप, जैसे शोल्डर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गिरने का, तो उससे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप पाइपिंग लगाते हो, पाइपिंग लगाने से पहले आपको ब्लाउज़ को
ब्लाउज़ का जो गला होता है वो चेक करना पड़ता है। पाइपिंग लगाने से पहले आप ये ब्लाउज़ का गला चेक करोगे, या कम ज़्यादा होगा, कम होगा तो आपको हल्का सा कट करना है, और ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पे शोल्डर जो है, शोल्डर में आप यहाँ पे दबा सकते हैं। जितना चाहिए उतना आप सिलाई में लोगे और यहाँ पे यहाँ तक आप नापोगे तो ये आपका ब्लाउज़ का गला जो है वो परफेक्ट आएगा। उसके बाद आपको पाइपिंग लगानी है। इस तरह से आपको जब भी आप शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होता है सिलाई के बाद, तो आपको ये पहले चेक करना है कि पाइपिंग जब हम लगाते हैं, पाइपिंग लगाने से पहले आपको गला नापना है। तो इस तरह से आप शोल्डर का प्रॉब्लम जो है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको शोल्डर गिरते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी मैंने आपको बताया है। और सिलने के बाद जैसे ब्लाउज़ हम सिलते हैं उसके बाद शोल्डर गिरते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन है और गिरते क्यों है ये भी मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।